हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो एग्ज़ाम के न्यू पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न हैं हम लोग कवर करेंगे। स्पेशली ये जो है बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी तैयारी नहीं किए हैं, बस इस तरह की वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। बस कंटिन्यू आप लोग को वीडियो को देखते रहना है, अंत तक एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोग से। और लास्ट में कमेंट बताएंगे कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व पाए और कितने क्वेश्चन इनमें से पता था। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बस आपको पता चल जाएगा तैयारी आपकी कैसी है, ठीक है। तो पहले आप लोग ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये सारी चीज़ जानते होंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। और यहाँ पे देखिए करा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, थोड़ा हम तेज़ी से कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को बहुत सारे कवर करना है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से और अंत तक क्वेश्चन को थोड़ा अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करेंगे, फिर आप लोग बताएंगे कौन सा मैं जो सही बता रहा हूँ, क्या आपने वही क्वेश्चन का आंसर सोचा था या फिर कोई दूसरा। तो इस तरह आपको जो पता चल जाएगा और बाद में हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए, ठीक है। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका भारतेंदु युग, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप लोग ए सही सोचे थे, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहां पे दूसरा करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर चार ऑप्शन है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। सबको पता होना चाहिए बातचीत शीर्षक जो है निबंध, इसके निबंधकार का नाम जो है वो क्या है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी की रचयिता जो है उसका नाम क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिए अच्छे से ऑप्शन को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आगे है मोहन राकेश एंड उदय प्रकाश चंद्रधर शर्मा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का जो फाइनल राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड के साथ एक बार जरूर शेयर करेंगे। काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं तो ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके, सारे स्टूडेंट को ये हेल्प मिल सके, ठीक है। तो के लिए आप प्लीज़ जो है इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देख लो और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको जो है सारे क्वेश्चन का एक तरह का आपको अनुभव हो जाएगा कितने क्वेश्चन हम यहाँ से बना पा रहे थे, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन करा कि गुलेरी का मूल निवास स्थल जो वो कहाँ था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए अच्छे से ऑप्शन को, लंबी वाराणसी है, उसके बाद कदम कुआं पटना है, सिमरिया बेगूसराय एंड बिहार गुलेरी गुलेर का क्या कहते हैं कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे फोर नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, जो कि कुलेर एक गांव का नाम है जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर फाइव का है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जो है वो किसने दिया था। काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए पढ़े होंगे किताब में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जो है वो संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन को क्या कह रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, काफी इजी क्वेश्चन होगा आप लोग पढ़े होंगे, 1974 बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्स का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे अभी अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलो आगे देख लो, आगे क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है। किस पाठ में कहा गया है पता होना चाहिए आप सभी को, ये अर्धनारीश्वर में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सेवन नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्धनारीश्वर, ठीक है। आगे देख लो, आगे क्वेश्चन नंबर एट कराए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएंगे। अगर पता है तो जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन कराए कि अगय का पूरा नाम क्या है। अगय जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पहले बताएंगे तभी बताएंगे क्या किसको उसको क्या कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नाइन, अगय का पूरा नाम जो वो है सच्चिदानंद हरिनंद वात्सेन, इसी को इसी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगी। और लास्ट में इसका अगय भी, जो कि बाद में हम लोग इसको अगय नाम से सिर्फ कहते हैं, पूरा इसका नाम नहीं लिया था, सिर्फ अगय नाम किताब में देते, लेकिन पूरा नाम है सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 क्या कह रहा है कि किस पार्ट में आया कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, और ये कौन से पार्ट में आया है आप लोग को चुनना है सही आंसर। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
यहाँ पे बी हो जाएगा नहीं, रोज में कहा गया, किस में, रोज में। चलिए आगे देख ले, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करा है, किस पाठ के पाठ की उक्ति है कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 11 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो एक लेख और एक पत्र, क्या होगा, एक लेख और एक पत्र। चलो ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। देखो यहाँ पे आ गया उसके शीर्षक के बारे में, तो बताना है, अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए आप लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भगत सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, भगत सिंह, याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 क्या करा है कि सदा निरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। चलो बहुत अच्छा, सदा निरा जिसको हम कहते हैं, ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार का नाम बताना है आप सभी को। काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा ना, बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगी। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि चौर जो है वो कैसे तार है, चौर ये किस तरह का तार है, देखिए अच्छे से ऑप्शन को। देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं उथले तार, ये कौन से, उथले, याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है, इनमें से कौन जो है सिपाही की माँ है, आपको बताना है सही आंसर। देखो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, नहीं बिस्नी जो सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइनल, मोहन, मदन मोहन गुगलानी, जो कि बचपन का नाम था मोहन राकेश का, याद रखेंगे मदन मोहन गुगलानी। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 17 करा कि परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंध जो वो किस पुस्तक से लिया गया है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन का। देखो आप लोग को और एक इन्फॉर्मेशन बताने वाले था कि भूल गए पहले में ही कि हम जो है क्लास जो है आज से लाइव स्टार्ट करें, क्लास का टाइमिंग जो रहेगा वो 6:30 बजे रहेगा, ठीक है, शाम के 6:30 को याद रखेंगे, सबको लाइव में जुड़ जाना है। ठीक है, 6:30 में सबको लाइव में जुड़ जाना है, और डेली जो है रेगुलर क्लास होगी 6:30 बजे, और जो जो न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको जो है क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देंगे और सबको बता देंगे 6:30 बजे से आज क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो देखो 17 नंबर का बता दिए क्वेश्चन का, राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद एंड संवाद। ठीक है, परगीत समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, वाद विवाद संवाद। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, जूठन क्या है, जूठन ये जो क्या है याद रखेंगे, जूठन जो है वो क्या है, एक आत्मकथा है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा आत्मकथा। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है कि मलयज ने किस विषय में एमए किया था, मलयज ने किस विषय में एमए किया था, पता होना चाहिए वो क्या था, अंग्रेजी में, क्या बोलती हो, ऑप्शन नंबर 19 का बी हो जाएगा अंग्रेजी। चलो आगे देख लो क्वेश्चन 20 कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन इसके लेखक कौन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मलयज। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कह रहा है कि त्रिच कहानी किस प्रकार की है, त्रिच कहानी जो वो किस प्रकार की, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 21 नंबर क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर आधुनिक क्या कहते हैं त्रासदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगी। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि किस पाठ में उक्ति आई है, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, ये किस पाठ में आई है, याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा में, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। चलो आगे देखो 23 नंबर का कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, शिक्षा शीर्षक निबंध जो है वो किसने लिखा है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी ना, जय कृष्ण मूर्ति, कहेगा जय कृष्ण मूर्ति। चलो आगे देखो 24 का कि जायसी जो है किस शाखा के कवि है, जायसी किस शाखा के कवि है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं प्रेम मार्गी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रेम मार्गी, याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान जो कहाँ था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, देखो अच्छे से ऑप्शन को, मलिक मोहम्मद जायसी के निवास स्थान कहाँ था, सो इनमें से राइट ऑप्शन की बात करेंगे, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, यानी जायस जो कि कब अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 कराए कि किसने सूरदास से कहा, सूरदे के ऐसे
घिघियात काहे हो, कुछ भगवल्लिता क्या कहते हैं, कुछ भगवल तलीला वर्णन करो। तो यहाँ पे देखो ये कुछ वर्ड है, तो ये किसने सूरदास से कहा था, याद रखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गुरु वल्लभाचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु वल्लभाचार्य, ठीक है, इसी ने कहा था। चलो आगे देख लो, 27 नंबर क्वेश्चन कराया कि सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास जो है वो किस भाषा के कवि है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वज्र भाषा, ठीक है। चलो आगे देखो, 28 कराया कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएंगे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे इनमें से, सो देखो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नर हरिदास, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 करा कि कवितावली के रचनाकार है, कवितावली के रचनाकार इनमें से कौन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 क्या होगा, तुलसीदास, ठीक है, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखो, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभादास जो किस युग के भक्त कवि थे, नाभादास किस युग के भक्त कवि थे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन का, सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्तिकाल, ठीक है, याद रखेंगे भक्तिकाल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कह रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि जो किसने दी थी, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, इनमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, देखेंगे इसका नाम है राजा रुद्रसाने, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्रसाने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो कहां हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म इनमें से कहां हुआ था, 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में, ठीक है। चलो आगे देखो, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली है, देखिए पुत्र वियोग पूछ रहा है पे, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, यानी मुकुल, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 33 का, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 34 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन से इनमें से कौन से संबंधित कविता है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उषा, क्या हो जाएगा, उषा, याद रखेंगे, ठीक है, उषा जो क्या है, प्रकृति वर्णित वर्णन से एक संबंधित कविता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35 का है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, 35 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम जो है क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 क्या कह रहा है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कवि रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहाँ हुआ था, 37 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। चलो आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 38 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्म का, ठीक है। आगे देखो, 39 कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 39 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, यानी सब कुछ होना बचा रहे मतलब रहेगा, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है, यह है सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 40 का खेत रहना शब्द का अर्थ है, अब ये कुछ मुहावरा यानी ग्रामर प्रश्न से व्याकरण प्रश्न से आया हुआ क्वेश्चन है, खेत रहना शब्द का अर्थ क्या है, याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मारा जाना, ठीक है, याद रखेंगे मारा जाना। आगे देखो, 41 क्वेश्चन कहता है हार जीत कविता के कवि का नाम बताएंगे, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखो, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, याद रखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ज्ञानेंद्र पथिक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कह रहा है कि पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पथिक को
पहला हो गया पे, पहला सम्मान ज्ञानेंद्र प्रसाद जी को कब दिया गया था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006, याद रखेंगे 2006 को पहला सम्मान ज्ञानेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। चलो आगे देख लो, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पेशगी शीर्षक कहानी में कहानी के रचयिता का जो है नाम बताना, आप लोगों को बताएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज जो है पेशगी शीर्षक कहानी से रचयिता का नाम है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी लोपेज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45 करा कि हेनरी लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो रहने वाले थे कहाँ के रहने वाले थे, याद रखेंगे ये कांगो जो कि अफ्रीका में पड़ता है वहाँ के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का, ठीक है याद रखेंगे। चलो आगे देख लो, 46 नंबर क्वेश्चन करा कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। देखो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लालच देना, क्या हो जाएगा लालच देना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47 का, अपने पैरों पर खड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। देखो याद रखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा स्वावलंबी होना, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वावलंबी होना। आगे देखो 48 क्वेश्चन का है कि गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन होगा। देखो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डिंग हाँकना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जी चुराना इसका अर्थ क्या होगा, जी चुराना इस मुहावरे का अर्थ की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी किसी काम से भागना, किसी काम से भागना। आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है क्या हो जाएगा। देखो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना, किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना। देखो तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, चलो हम लोग थोड़ा तेज़ी से कवर कर लेते हैं 50 क्वेश्चन को, और हम लोग जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि ये व्याकरण का है, व्याकरण भी समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपसे वादा किया था कि सारे क्वेश्चन को हम लोग आप कवर करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं आगे से। वो भी देखो 51 नंबर क्वेश्चन कराया कि कायर का विलोम है, इसलिए आप लोग जो है एक बार लाइक कर देंगे सबको, ये बहुत मेहनत से इतने मेहनत से सारे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ बोल बोल करके, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सबके साथ, एक बार सबको शेयर कर देना। तो देखो 51 क्वेश्चन कराया कि कायर का विलोम है, कायर का विलोम क्या हो जाएगा पता होना चाहिए आप सभी को, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी बहादुर कायर को हम मतलब विपरीत जो मैं बोलेंगे तो बहादुर कहते हैं, बहादुर यानी जिसको हम कहते हैं हिम्मत वाला, कायर मतलब तो डरपोक, ठीक है याद रखेंगे। चलो आगे देख लो क्वेश्चन करा कि 52 नंबर क्वेश्चन करके धरती का विलोम हो जाएगा, धरती का विलोम क्या होगा याद रखेंगे, धरती पूछ रहे हैं यहाँ पे, कन्फ्यूज नहीं है ना आप लोग को, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका आकाश हो जाएगा, ठीक है धरती का क्या होगा आकाश। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 करा है कि आय शब्द का विलोम होगा, आय जो है इनमें से सॉरी आय शब्द जो इसका कौन सा विलोम सही है यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वह काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, ठीक है 53 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो 54 क्वेश्चन कराया कि आरंभ का विलोम काफ़ी इजी है, आरंभ आरंभ का क्या हो जाएगा, आरंभ का हो जाएगा आपका अंत, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना अंत ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर एकदम याद करते जाना आप लोग को, और बताना है कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाए थे, ठीक। देखो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण का विलोम है, ऋण ऋण का विलोम क्या हो जाएगा याद रखेंगे, ऋण का विलोम हो जाएगा आपका उरीन हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उरीन, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनादर अनादर का विलोम क्या हो जाएगा, अनादर अनादर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा अनादर का विलोम हो जाएगा आपका आदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनादर का आदर। चलो आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कह रहा है कि कमल कमल का पर्यायवाची शब्द हो, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है याद होना चाहिए आप सभी को ना, 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं सरोज हो जाएगा होगा सरोज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कह रहा है कि अरने अरने का पर्यायवाची क्या है इनमें से, अरने का तो पता होगा किसी को या फिर नहीं पता, देखो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, अरने का क्या होगा विपिन इसका पर्यायवाची एक, ठीक है याद रखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि बादल बादल का पर्यायवाची क्या होगा याद रखेंगे, बादल का उपयुक्त सभी हो जाएगा ना, मेघ जलद जलधर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा उपयुक्त सभी। चलो आगे देखो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमल कमल का पर्यायवाची एक बार शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो कमल का पर्यायवाची याद करेंगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, निधि क्या कहते हैं निर्धि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्धि याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पे सॉरी ये पंकज सरोजी तो कमल का पर्यायवाची है मतलब नहीं पूछ रहा है हम शायद नहीं नहीं बोले आपको
पर्यायवाची नहीं है, तो निर्धि जो है वो पर्यायवाची कमल का नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे, कौवा का पर्यायवाची कौवा, कौवा जो इनमें से सॉरी कौवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, देखेंगे काग। हाँ काग, काग वायसे तो तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। एक्सेप्ट का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कराएंगे, जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जा सकता है, उसको क्या कर सकते हैं। देखो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाचाल कहते हैं, क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, ठीक है। आगे देखो 63 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सैब, क्या होगा शिव का उपासक सैब हो जाएगा। चलो आगे देखो 64 क्वेश्चन कराएंगे, मृग जैसे नेत्रों वाली, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा मृग नयनी, क्या होगा मृग नयनी, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 करा कि तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद देखेंगे इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, क्या होगा कुशाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं कुशाग्र, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो 66 नंबर क्वेश्चन कराए, जिसकी जो है ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुगिरवा, क्या होगा सुगिरवा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर 67 कराए कि पंचवटी जो है कौन सा समास है, पंचवटी ये कौन सा समास है, याद रखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विगु समास हो जाएगा, पंचवटी कौन सा समास है, द्विगु समास। चलो आगे देखो 68 नंबर क्वेश्चन है घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है, देखेंगे घनश्याम पूछ रहा है ना, 68 नंबर क्वेश्चन है घनश्याम हो जाएगा कर्मधारी समास, क्या होगा कर्मधारी समास, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो 59 नंबर क्वेश्चन है यथार्थ, यथार्थ शब्द जो कौन सा समास है, यथार्थ, देखेंगे अच्छे से ऑप्शन को, देखो यहाँ पे 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अभिभाव समास हो जाएगा, अभिभाव समास याद रखेंगे। आगे देखो 70 क्वेश्चन कहता है कि जितेंद्र क्या होते हैं, जितेंद्रिय में समास है, जितेंद्रिय में इनमें से कौन समास है, देखो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुव्रीहि समास, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखो 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंडज, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अंडज, ठीक है याद रखेंगे। आगे देखो 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा, यानी जब पीताम्बर का जो हम बहुव्रीहि समास कराएंगे तो उसका विच्छेद किस तरह कर सकते हैं, देखो 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीत जो पीला है अंबर जिसमें वह, तो ये संधि विच्छेद इसके हिसाब से नहीं पूछ रहा है, जब इसका बहुव्रीहि समास जब होगा तब इसका विग्रह पूछ रहा है, तो याद रखेंगे ये संधि विच्छेद नहीं है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पीत पीला है अंबर जिसमें वह। आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 73 कह रहा है कि आत्मा का विशेषण है, आत्मा, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा, देखो 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आत्मीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा आत्मीय। आगे देखो 74 क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण किसे कहते हैं, काफी इजी क्वेश्चन होगा, विशेषण किसे कहते हैं पता होगा सभी को, विशेषण कहते हैं किसको, तो कहते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा राइट। आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कह रहा है सर्वनाम जो है विशेषण, सर्वनामिक विशेषण कौन है इनमें से, तो सर्वनामिक पूछ रहा है ना, याद होना चाहिए आप सभी को, इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी ऐसा आदमी नहीं देखा, एक सर्वनामिक विशेषण है ठीक है। आगे देखो 76 क्वेश्चन कह रहा है कि डैश हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे डैश में क्या हो जाएगा, तो देखो 76 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे 30 दिन नहीं साप्ताहिक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी हो जाएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, यानी 76 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 77 क्वेश्चन करेंगे लोक का विशेषण है, लोक, लोक का विशेषण क्या होगा, देखो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, लोक का लौकिक हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो और कुछ क्वेश्चन जल्दी कवर कर लेते हम लोग, देखो 78 क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा कौन लिंग है, आत्मा जो है कौन लिंग है, देखो याद रखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है, ये क्या है स्त्रीलिंग है ठीक है याद रखेंगे। चलो आगे देखो न यहाँ पे ना कौन लिंग है, ना ना नहीं होगा यहाँ पे जू होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये मिस्टेक हो गया, जू कौन लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर वैलिंग। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे ना हो गया ठीक है याद रखेंगे जू। हाँ
जो कौन सा लिंग है वो स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि जल का लिंग निर्णय करें, जल जो है इसका लिंग निर्णय क्या होगा। देखो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जल जो है पुरलिंग है, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो करा कि दल, दल का लिंग निर्णय करेंगे तो दल क्या है, दल याद रखेंगे, दल जो है वो क्या है, वो पुरलिंग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा पुरलिंग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82 करा धन, धन शब्द का लिंग निर्णय करेंगे, धन तो देखो धन क्या है याद रखेंगे, धन वो भी पुरलिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी पुरलिंग, ठीक है। आगे देखो 83 नंबर क्वेश्चन का राजेंद्र का संधि विच्छेद, राजेंद्र पूछ रहा है ना, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 83 का, राज और इंद्र हो जाएगा, राज और इंद्र ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 क्या कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखो नयन का संधि विच्छेद की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ने जोर अन, क्या होगा ने जोर अन, ठीक है। या देखो 85 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्तालाप, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वार्ताजोर आलाप, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वार्ताजोर आलाप, ठीक है याद रखेंगे। आगे देखो 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनवं क्या कहते हैं, मनवंतर का संधि विच्छेद, मनवंतर देखो मनवंतर पूछ रहा है पे तो क्या हो जाएगा, हाँ मंजूर अंतर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी मंजूर अंतर, ठीक है। आगे देख लो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि हिमालय का संधि विच्छेद, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो 87 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा ना, हिमजोर आलय, क्या होगा हिमजोर आलय, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो 88 क्वेश्चन कह रहा है कि परमशोध, परमशोध परमशोध नहीं है, परमौषध है, परमौषध, परमौषध शब्द का संधि विच्छेद है। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका परमजोर औषध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परमजोर औषध, परमौषध का संधि विच्छेद, ठीक है। आगे देखो 89 कह रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन में उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग की बात आ रही है, देखो याद रखेंगे उपसर्ग यानी उप जो हो जाएगा यहाँ पे उपवन में उपसर्ग है, ठीक है। आगे देखो उपसर्ग में पहले लगने वाले वर्ड के, किसी वर्ड के पहले लगने वाले को हम उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय अंत में लगने वाले। चलो भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, देखो उपसर्ग पूछ रहा है ना, देखो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे उसी जगह भर, भर भरपेट में क्या होगा, भर जो है एक उपसर्ग लगा है। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएंगे, प्रतिनिधि पूछ रहा है ना, देखो प्रतिनिधि में उपसर्ग जो जाएगा वो जाएगा प्रति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना प्रति। चलो आगे देखो कह रहा है कि दुस्साहस में उपसर्ग बताएंगे, दुस्साहस में, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का देखो, 92 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दुत्स, दुत्स जो है ये दुस्साहस में उपसर्ग लगा है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है, दुर्बल में देखो, दुर्बल में उपसर्ग की बात करेंगे वो जाएगा दुर, ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा दुर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि अंतदित में कौन सा प्रत्यय है, अंतदित अन्यदित में कौन सा प्रत्यय है, देखो यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन बी हो जाएगा इत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इत यानी हर्षय तो वाला हो जाएगा इत, ठीक है याद रखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, देखो चचेरा बोल रहा है ना यहाँ पे प्रत्यय की बात आ रही है तो याद रखेंगे रा जो है ये चचेरा में प्रत्यय लगा है, ठीक है याद रखेंगे। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 चचेरा में रा प्रत्यय नहीं होगा, चचेरा में एरा प्रत्यय होगा, एरा याद रखेंगे, एरा ये रा नहीं होगा, ठीक है। चचेरा में क्या हो जाएगा, एरा जो है प्रत्यय है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलो आगे देखो 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लड़ाका में प्रत्यय बताएंगे, लड़ाका में प्रत्यय बताएंगे, देखो लड़ाका पूछ रहा है यहाँ पे, देखो 96 का आका हो जाएगा यहाँ पे, लड़ाका में प्रत्यय आका, ठीक है। चलो आगे देखो 97 कह रहा है मिठास शब्द में प्रत्यय है, मिठास शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा, याद रखेंगे 97 का ऑप्शन नंबर सी यानी आस जो है मिठास में प्रत्यय है, क्या आस जो है मिठास मतलब मिठास का आस जो ये प्रत्यय है, प्रत्यय बताया आप लोगों ने लास्ट में लगने वाले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि आम शब्द है, आम शब्द वो कौन सा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर क्या है, देखो 98 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो है पुल्लिंग है, आम जो है पुल्लिंग है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि चक्र पानी में कौन सा समास है, चक्र पानी पूछ रहा है ना, देखो 99 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी बहुविधि समास, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बहुविधि समास। चलो आगे देखो 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम शब्द का विलोम है, कृत्रिम शब्द का विलोम है, देखो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी प्राकृतिक,
क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, सॉरी कृतिक नहीं है, प्राकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम शब्द का विलोम हो जाएगा प्राकृत, क्या होगा प्राकृत। तो यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको जो है हेल्प मिला होगा, और यहाँ से अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक नहीं होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग अगर शुरू से देखें कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं, और शेयर नहीं किए वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देंगे सभी फ्रेंड के साथ, लाइक कर देंगे, काफ़ी मेहनत से बताऊँ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। चलिए हम लोग अगले लाइव वीडियो में मिलेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।